नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़ गए। उन्होंने एक साथ सुधर्मा सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से स्वर्ण खचित नगाड़ा बजाया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली थी। उसकी आवाज सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीर कुशुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़े आए। उस समय में आकर वह सभी सिंहासनों पर बैठ गए। देव समूह की भांति यहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में सेवकों सहित सभापाल ने अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। ये सुनते यदुवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर से भर गए और गर्व से उछल पड़े। वह बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जूतो, फौरन परास लाओ, धनुष तथा बहुबुल्य एवं विशाल कवच लाओ। कोई सारथी को पुकार कर कहने लगे, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषण से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ, कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नर वीरों के कोलाहल से बड़ी भारी तुमुल्य ध्वनि व्याप्त हो गई। तदनंतर बलराम जी ने यादवों से कहा, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे, तुम ये क्या कर रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना ही तुम इतने कुपित हो उठे। तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ ही, पहले श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बताएं, तदनंतर जो कर्तव्य इन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। बलराम जी के इस प्रकार कहने पर सब यादव चुप हो गए और सब लोग उन्हें साधुवाद देने लगे। तदनंतर बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, ये सब कुछ देखते हुए भी तुम क्यों मौन होकर बैठे हो? तुम्हारे संतोष के लिए हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला उस सत्कार के योग्य कदापि ना था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में शेद करे? संबंध की इच्छा रहते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले का उपकार को मानते हुए ऐसा दुस्सहपूर्ण कार्य? उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद, जैसे सर्प पैर की ठोकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूंगा? अर्जुन का ये अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेले ही उस वसुंधरा को कुरुवंश से विहीन कर दूंगा। बलराम जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया, अपितु ऐसे करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पांडु पुत्र अर्जुन ये जानते हैं कि सातवत वंश के लोग सदा से ही धन के लोभी नहीं है, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडु पुत्र अर्जुन को यह भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्या दान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा? एवं इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा? मेरा विश्वास है कि कुंती कुमार ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरी समझ में यह संबंध बहुत उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है और यह कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी है, अतः इन्होंने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण किया है। महाराज भरत तथा महायशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी बनाना ना चाहेगा? इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में भक्त देवता के नेत्रों का नाश करने वाले विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। इसमें अर्जुन के पास मेरा सुप्रीत सिद्ध रथ भी है, मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाला ही होता है। ऐसी दशा में अर्जुन की समानता कौन कर सकता है? आप लोग प्रसन्नता के साथ दौड़ जाइए और बड़ी सांत्वना से धनंजय को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सहमति है, यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हरा कर अपने नगर में चले गए तब तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में अपनी पराजय नहीं। सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ।
सुभद्रा के साथ विवाह हो जाने के पश्चात अर्जुन एक साल से कुछ अधिक दिन तक द्वारिका में ही रहे। द्वारिका में इच्छा अनुसार विहार करके यदि वंशियों के द्वारा पूजित होकर अर्जुन वहां से पुष्कर तीर्थ में चले गए और वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वह सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सुना कि अर्जुन अपने नगर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण बलराम बहुत से यदुवंशी उनके पुत्र पोत्र तथा बहुत सी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सा दहेज दिया। यादव और गुरु वीरों ने कई दिनों तक मिलकर आनंद पूर्वक विहार किया। कुछ समय बाद यादव द्वारिका लौट गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ में ही रहे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु के सब संस्कार संपन्न किए। वेदाध्यान के बाद अभिमन्यु ने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती थी। अभिमन्यु बहुत से गुणों में तो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य था। द्रौपदी के गर्भ से 5 पांडवों के द्वारा एक एक वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर से प्रतिविंद्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्म, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए थे। दौम्य ने इन सब बालकों के संस्कार विधि पूर्वक कराए। बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।